बेटा दैट इज हाईलाइटेड क्वेश्चन, कई बार पूछ चुके हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, राष्ट्रपति मुर्मू आज से यानी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 26 27 28 29 30 फाइव डेज तेलंगाना में शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे। हमसे सुनिए अब, भारत के राष्ट्रपति जो भी जब होंगे एज ए राष्ट्रपति के तौर पे, भारत के राष्ट्रपति के तीन सरकारी आवास हैं, थ्री ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन इज दिल्ली रायसीना हिल प्रेसिडेंट हाउस, ओके। द सेकेंड इज, ठीक है, रॉयल रीगल पैलेस, नाउ इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट हाउस एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश। बेटा सामान्य दिनों में हमारी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति दिल्ली के अपने आवास में रहते हैं और गर्मी के दिनों में 15-20 दिन के लिए चले जाते हैं अपने क्या समर पैलेस ऑफिशियल रेसिडेंस शिमला, जिसे रीगल पैलेस भी कहते हैं, प्रेसिडेंट लॉज भी कहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, वो भी उनका अपना मकान है सरकारी। फिर बेटा जब सर्दी आती है तो एक विंटर पैलेस भी है हमारे राष्ट्रपति का। तो जो शीतकालीन इनके महल हैं, आवास हैं, वो पहले क्या कहते थे, हैदराबाद में रहते थे। अब चूंकि हैदराबाद आ गया तेलंगाना में, तो हम कहते तेलंगाना के हैदराबाद के सिकंदराबाद नाम के जगह पे राष्ट्रपति नीलियम, ये इनका तीसरा आवास है जहां शीतकालीन प्रवास विंटर लिविंग होती है। तो 5 दिन रहेंगी, आसपास के क्षेत्रों का इनॉग्रेशन वगैरह करेंगी, प्रोग्रामिंग भी करेंगी, 5 दिन वहीं रहेंगी, फिर आ जाएंगे दिल्ली। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के तीन आवास हैं, दिल्ली राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स, सेकेंड मैंने कहा कहा शिमला राष्ट्रपति भवन, और तीसरा मैंने कहा कहा राष्ट्रपति नीलियम या नीलम पैलेस सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना, वहीं पे आप रहेंगे 5 दिन, है ना। और ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा।